सकते हो आप टायर, ये मतलब ये नीचे वाला ये पट्टा टूट गया था। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की मतलब ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि आज सुबह सुबह एक ट्रेजिडी होगी। मम्मी जा रहे थे कैंप सप्लाई देने के लिए, लेकिन गाड़ी के वो नीचे पट्टे होते हैं ना, वो टूट गए हमारी बड़ी वाली गाड़ी के। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं, मिस्त्री तो आ गए, पंकज भैया को लेके आ गए थे, हम जा रहे हैं पंकज भैया के पास। दो स्कूटी होगी इसीलिए मुकेश और मैं दो स्कूटी लेंगे, पंकज भैया गाड़ी लेंगे, चलते हैं पंकज भैया के। फिलहाल अभी आ गए हैं गाड़ी के पास। वो देख रहे देख सकते हो आप टायर, ये मतलब ये नीचे वाला ये पट्टा टूट गया था। सो फिलहाल अभी अंकल लगे हुए हैं, जैक जुग लगा के ऊपर उठा दिया इसको। फिलहाल अभी हो ही गया लगभग, तो सुबह सुबह तो फिलहाल ऑलमोस्ट काम तो कंप्लीट हो ही गया है। बस अंकल ने कुछ चीज़ मंगाई थी मतलब पट्टों के लिए, वो पंकज भैया लेने के लिए गए हैं। बाकी गाड़ी हो गई है ठीक। बाकी सुबह सुबह यार मतलब हम तो डर ही गए थे, मतलब इस तरफ आ गई थी बिल्कुल ही, टायर पे वजन आ गया था सारा। तो फिलहाल अभी ठीक हो गया हमारी गाड़ी और बहुत अच्छा लग रहा है। इस भी आदत चले गए, उनको कोई काम था प्लांट पर, यहाँ पर रह गए हम और अंकल जी। फिलहाल गाड़ी तो ठीक हो ही गई है, बस पंकज भी आ जाएं जल्दी से और फिर चलते हैं प्लांट पर। फिलहाल देखो इतनी भीड़ी गली में, देखो कितना बड़ा ट्रक आया हुआ है। तो फिलहाल पंकज भी आ गए, ये लेने के लिए गए थे, ये टूट गया था गाड़ी का। सो अंकल जी लग रहे हैं, फिलहाल गाड़ी होगी ठीक, गाड़ी ठीक हो गई है, अब टेस्ट करके देख रहे हैं कि आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती। ओह चल गई, ओह गई, अब ये जाएगी सीधा प्लांट पे। तो फिलहाल गाड़ी का काम तो कंप्लीट हो गया है, मैं आया था अंकल जी को उनकी दुकान पे छोड़ने के लिए। और यहाँ पे देखो गाड़ी मतलब पूरी फिलहाल आ गए हैं प्लांट पे और नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ते के लिए मिला। ब्रेकफास्ट में मस्त गया की सब्जी रोटी और चाय फिलहाल खा लेते हैं। तो फिलहाल नाश्ता तो कर लिया है और अब मतलब वेट कर रहे हैं पारुल भैया का गाड़ी पे, वो प्लांट में कुछ हिसाब शूट कर रहे हैं तो आ ही रहे हैं बस। तो फिलहाल अभी तो एक चीज़ है दिखाता हूँ। सो पानी की वजह से पारुल भैया की देखो चप्पल टूट गए हैं, जूते फट गए हैं, फिलहाल अभी इनको सिलवा के लाएंगे। बाकी आपने वो बड़ा कैंपर तो देखा होगा ग्रीन वाला, ये देखो छोटा कैंपर दिखने में कितना मस्त ना। ओह खुल गया, ये देखो छोटा सा है, 5 लीटर ही पानी आता है इसमें, तो बाकी दिखने में बहुत मस्त है। तो फिलहाल अभी इसको बंद कर देते हैं और रख देते हैं वहीं पे। फिलहाल हमारी छोटी सी रेलगाड़ी चल चुकी है बाजार की तरफ। तो फिलहाल सारे कैंपरों को बटोर के लगते हैं। तो फिलहाल सारा काम करके हम आ चुके हैं और साइन गए वहाँ पे गोलगप्पे लेने के लिए। हम खड़े हैं सिजाई पुल पे और देख सकते हो आप धूप कितनी ज़्यादा हो रही है। सो फिलहाल अभी पहुँचे हैं घर पे, मैं मतलब अपने घर तो नहीं आया, मुकेश भाई के घर पे हूँ। आपको ना एक चीज़ दिखानी थी, ये देखो। तो फिलहाल ये ना हमने सिर्फ 3 घंटे में खोद दी थी, मतलब 10 फुट नीचे वो कुई खोद रहे थे मुकेश भैया, ये टॉयलेट बाथरूम बनवा रहे थे। तो फिलहाल थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलते हैं। फिलहाल मुकेश भाई के घर से तो आ गए हैं। एक बात थी यार, मतलब जब प्लांट पे सब काम फारिग करके हम घर आते हैं ना, मतलब दिन अजीब अजीब सा लगता है। सुबह जल्दी उठते हैं ना, सूरज हमेशा उगते हुए देखते हैं, इसीलिए घर आ जाते हैं तब धूप में सब अजीब अजीब सा लगता है, बिल्कुल ही धूप बर्दाश्त ही नहीं होती। ऊपर आँख करो तभी बंद हो जाती है। बाकी हवा चल रही है मस्त वाली, ये देखो, ये
तो हवा तो अच्छी चल रही है। फिलहाल अभी घर पे जाते हैं और लंच करते हैं। फिलहाल आ गए घर पे, लेकिन अभी घर आते ही ये देखो, ये पता नहीं क्या निकाल दिया रसोई में से। लंच में मस्त चावल और दूध फिलहाल खा लेते हैं। तो फिलहाल अभी सो के उठे हैं, और मतलब आपको तो पता ही है मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, तो मतलब आते ही सो गया था खाना चावल चुवल खा के। तो फिलहाल अभी घर पे मैगी बनाई जा रही है, छोटे शेफ लगे हुए हैं मैगी बनाने पे। इतना पानी गिरते मैगी में। तो फिलहाल मैं मत सोया हुआ था और अभी अभी उठा था, और अभी मुकेश भाई का फोन आ गया कि घर आ जल्दी कोई काम है। तो फिलहाल अभी तो जा रहा हूँ, पता नहीं क्या काम है, देखते हैं। और हाँ, सो के बहुत मज़ा आता है। बाकी मुझे रात को तो नींद आती नहीं, इस वक्त भी कभी कभी सोता हूँ मेरी, मैं मतलब नींद बहुत ही कम आती है मुझे। तो फिलहाल आ गया मुकेश भाई के घर पे। ओ ये काम है इसका, ओ आज ही बनवा दी। तो मुकेश भैया ने छोटा स्विमिंग पूल बना दिया, फिलहाल इसमें पानी डाल दिया। फिलहाल मसाला देने के लिए साहिल आ गया है, अरे भर दिया था सिलेंडर पूरा। मजदूर नंबर 1 आ गए हैं, सिर पे सिर पे गिर दे सिर पे। ओए धरती पे ना गिरी हो। फिलहाल साहिल भाई देखो कैसे कोण में बिठा दिया है। मुकेश भाई 4 पे बैठे हैं, पहला पाड़ा ला दिया है। अब रस्सी के साथ सीध दिखी चाहिए बिल्कुल। इतनी डोली उठा दी है, साहिल अंदर है और चाय बन चुकी है, चाय पी लेते हैं। फिलहाल मस्त चाय बन चुकी है, और मिस्त्री जी फिलिसा। तो फिलहाल काम पे मुकेश भाई के घर से 10 मिनट का ब्रेक लेके घर आए हैं, खाना खुना खा लेते हैं। फिलहाल अभी लाइट तो है नहीं, फ्लैश से ही काम चला रहे हैं, और बाकी बाहर अंधेरा हो रहा है पूरा। फिलहाल अभी लंच डिनर कर लेते हैं। डिनर में मस्त रोटी और पुदीने की चटनी फिलहाल खा लेते हैं। सो फिलहाल डिनर तो कर लिया है, अब चलते हैं वापस मुकेश भाई के घर पे, बिकॉज उसका फ़ोन आ चुका है। लगभग तो आज सारी रात काम चलेगा और उन्हीं के घर पे सोएंगे शायद, तो सुबह फिर चलते हैं वहीं से चले जाएंगे प्लांट पे हम। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं मुकेश भाई के घर पे, और बाकी लाइट के बगैर मिस्त्री जी भी बहुत परेशान हो गए हैं, बिकॉज लाइट तो है नहीं, मतलब डोड़ी ऐसी वैसी हो जाएगी फिर सुबह उनको सब ब्लेम देंगे। तो फिलहाल अभी हम मतलब सारे जितने भी हैं ना वहाँ पे सब अपना फ़ोन चुसा के मिस्त्री जी को अच्छी तरह लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी पहुँच गए बस मुकेश भाई घर पे। कल दिन में बनाया था, आधा ही ख़त्म हुआ है। खींच दी भाई डोली, खींच दी इतनी तो। कल मुकेश भैया ने पार्टी दिया बर्गर की, ये काम होने की खुशी में। थैंक यू मुकेश भैया, खा लेते हैं फिलहाल। तो फिलहाल रात के 12 बज चुके, और आज मतलब पहली बार हुआ है जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है कि मतलब 12 बजे तक मैं शूट कर रहा हूँ। तो रात के अभी 12 बज चुके और हम सारा काम कम्प्लीट करके आ गए हैं। तो आज पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।